प्रयागराज यमुनानगर क्षेत्र के भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ तहसील करछना में बैठक हुई संपन्न। तहसील स्तरीय प्रेस अस्थायी समिति की बैठक पुनः शुरू करने की मांग। निष्ठापूर्ण अनुशासन में रहकर ही संगठन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ननकेस भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के तहसील इकाई करछना की आवश्यक बैठक मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज करछना के प्रांगण में जिला संयुक्त सचिव लाल चंद्र प्रजापति की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय और विशिष्ट अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष वर्तमान जिला संरक्षक ननकेस बाबू यादव रहे। बैठक का संचालन कार्यकारी तहसील अध्यक्ष रामबाबू पटेल ने किया। बैठक में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला संरक्षक ननकेस बाबू यादव ने कहा कि निष्ठापूर्वक अनुशासन में रहकर ही संगठन को आगे बढ़ाया जा सकता है और करछना इकाई अपने स्वर्णिम इतिहास की ओर बढ़ सकती है। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय ने कहा, हम अपने कलम की मर्यादा बनाए रखें और कभी भी किसी वार्ड से ग्रस्त होकर समाचार न लिखें। निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारों की ही पहचान होती है। डॉक्टर उपाध्याय ने कहा कि तहसील स्तरीय प्रेस अस्थायी समिति की बैठक फिर से बुलाई जानी चाहिए, जिससे छोटी मोटी समस्याओं का तत्कालिक समाधान निकाल सके। इसके लिए महासंघ शासन प्रशासन को पत्र देकर आग्रह करेगा। डॉक्टर उपाध्याय ने कहा, कोई भी कम समय से ही अच्छा रहता है, समय निकल जाने पर केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है, इसलिए हम लोग समय को पहचाने और समय के साथ चलें। बैठक में सभी पत्रकारों को भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और दोहराई और कहा कि हम संगठन का साथ में सदैव खड़े हैं। बैठक में पत्रकार सुशील कुमार यादव, पत्रकार गौरी शंकर बिंद, पत्रकार शिव कैलाश भारती, पत्रकार विनय कुमार शर्मा, पत्रकार राजकुमार सरोज, पत्रकार रामबाबू बिंद, नरेंद्र यादव, पत्रकार महावीर, सभी लोग उपस्थित होकर अपने विचार रखे और सभी लोगों ने एक स्वर में संगठन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निश्चित करने पर बल दिया। आगामी बैठक नवंबर माह में करने का निश्चय किया, जिसमें तहसील की नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। बैठक में करछना और 12 तहसील के दर्जनों पत्रकार उपस्थित रहे। प्रयागराज जिला क्राइम रिपोर्टर नरेंद्र यादव।